गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपका जो बेंजल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट था उसे कंप्लीट कर दिया गया था, जिसमें आपने बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो उसके यूजेस होते हैं ये हमने कंप्लीट किए थे। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा COOH ग्रुप है वो अब किसी एरोमेटिक रिंग तो एरोमेटिक रिंग में हमारा क्या आता है, एरोमेटिक रिंग में आता है हमारा बेंजीन, या इसको फेनिल रिंग कहा जाता है। इससे क्या जुड़ा होगा, COOH ग्रुप हमारा जुड़ा होगा, यानी कि फेनिल रिंग से अगर हम COOH ग्रुप जोड़ दें तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका जाकर C6H5COOH, और इसका नाम पड़ जाएगा बेंजोइक एसिड, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हम बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक एसिड में सबसे पहले हमें पढ़नी है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि निर्माण की विधियां। तो जो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है उसमें से सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फेनिल साइनाइड, यानी कि फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। फेनिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइनाइड ग्रुप होता है CN, इसको फेनिल रिंग में जोड़ दीजिए, फेनिल रिंग हो गई यहाँ पर, ये आपकी फेनिल रिंग है, इससे CN ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये फेनिल साइनाइड है। इसकी करानी हमको हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, 2H2O से ये रिएक्शन करता है, दो वाटर के मॉलिक्यूल से इसकी केमिकल रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन होती है ये किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में होगी, यानी कि किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में होगी। मिनरल एसिड आपके तीन हैं, HCl, HNO3 या H2SO4, तो हमने यहाँ पर उपस्थिति ले ली H2SO4 की, यानी कि फेनिल साइनाइड जब H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, तो हमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। साथ में जो अमोनिया गैस है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फेनिल साइनाइड, यानी कि फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन, बाय फ्रिडल क्राफ्ट एंड रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो जो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है उसके तथा जल अपघटन के द्वारा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो दो स्टेप में, दो पदों में पूरी होती है। पहला हमारा स्टेप होगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया का, दूसरा हमारा स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन का। तो यहाँ पर जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो किसकी होती है, बेंजीन की। किसकी करानी है, बेंजीन की। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, इसकी कराने जा रहे हैं हम फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए बेंजीन की अभिक्रिया होती है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 से, कार्बोनिल क्लोराइड से यहाँ रिएक्शन कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसे ही हम AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन COCl2 से कराते हैं तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H जो है वो HCl बना करके निकल जाता है, माइनस HCl हो जाता है, तो यहाँ क्या बचता है COCl और यहाँ पर C6H5, तो हमें प्राप्त होता है C6H5COCl। और COCl ग्रुप जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। याद रखिएगा कि जब भी आपकी बेंजीन रिंग से इस तरह से यहाँ पर CO ग्रुप जुड़ा होगा, बॉन्ड CO ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको बेंजोइल ग्रुप कहा जाता है। अब इसमें क्लोरीन लगा दीजिए तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका बेंजोइल क्लोराइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब हमने कहा कि पहले होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो हमने फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो करा दी, हमने बेंजीन की रिएक्शन करा दी कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 से, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। HCl क्या हो गया, निकल गया, तो हमें मिल गया बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl। अब इसका हमें क्या कराना है,
जल अवघटन यानी कि HOH वाटर से रिएक्शन, वो भी एसिडिक मीडियम में। अम्लीय माध्यम में हम अपने बेंजोइल क्लोराइड का जल अवघटन जैसे ही कराते हैं तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो H है HOH ब्रेक होता है H और OH में, H प्लस OH माइनस में। यहाँ C6H5COCl में से भी जो Cl है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ से H और Cl मिल करके बना लेते हैं HCl, HCl निकल जाता है और CO से OH जुड़ जाता है, तो बचा क्या C6H5COOH, और इस तरह से हमें हमारा बेंजोइक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तथा जल अवघटन द्वारा। सबसे पहले बेंजीन का यहाँ पर क्या कराया, COCl2 से रिएक्शन कराई, कार्बोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई AlCl3 की उपस्थिति में, HCl निकल गया, बन गया बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड के जल अवघटन से यहाँ पर हमने क्या बना लिया, बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजोइक अम्ल। ये होती है हमारी दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद थर्ड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, यानी कि टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण के लिए मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि जब भी आपको ऑक्सीकरण करना होता है यानी कि ऑक्सीडेशन कराना होता है तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यानी कि ऑक्सीकारक की। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन किसका कराना है, टॉलुइन का। टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलुइन के फॉर्मूले के लिए यहाँ पर बेंजीन रिंग से ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, ये है टॉलुइन। मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन से, इसको कहते हैं टॉलुइन। अब टॉलुइन का हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीकरण। तीन ऑक्स यहाँ पर, ये नीसेंट ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीकारक होगा आपका, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो हो सकता है डाइल्यूट HNO3, या फिर इसके स्थान पर आप K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक, यानी कि एसिडिक मीडियम में आपको K2Cr2O7 का जो विलयन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसकी उपस्थिति में जब आप टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराएंगे, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो आपको यहाँ पर C6H5COOH यानी कि बेंजोइक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजोइक एसिड का, बेंजीन रिंग से यहाँ जुड़ा होगा COOH, क्लियर है। और निकल क्या जाएगा, यहाँ पर साथ में निकलता है H2O, साथ में क्या मिलता है हमें, H2O मिलता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन आइटम होते हैं, 3 ऑक्सीजन आइटम। तो इसमें बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा भी हम बेंजोइक अम्ल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर है। टॉलुइन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग से CH3, किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, तो डाइल्यूट HNO3 यानी कि तनु HNO3, या फिर एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण उत्पन्न होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में बेंजोइक एसिड बनाने की जो अभिक्रिया होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, ध्यान से समझिएगा कि करना क्या है। तो कह रहे हैं लेबोरेटरी में बेंजोइक एसिड या प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल को बनाने के लिए निम्न अभिक्रियाओं का पालन करना होगा। इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको KMnO4, KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, तो जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होगा इसकी रिएक्शन करानी होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि आपको अल्कोहलीय विलयन बनाना होगा। तो जैसे ही आपका KMnO4 KOS से यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है K2MnO4, साथ में हमें यहाँ मिलता है H2O और मिलती है नीसेंट ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। अब सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें हम हमारी रिएक्शन कराते हैं C2H5CH2Cl, ये होता है बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड का भी हमें क्या बना लेना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन होती है। तो जैसे ही आप इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से KCl जो है वो निकल जाएगा। जैसे ही KCl निकल गया तो मिला क्या, C6H5CH2OH,
और इसका नाम पड़ जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ये ग्रुप जो C6H5CH2 होता है, ये बेंजिल होता है, ये होता है हमारा बेंजिल ग्रुप। और इसके आगे क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया बेंजिल क्लोराइड। और वहीं पर फिर से C6H5CH2 ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा बेंजिल ग्रुप। और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया तो ये हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। क्लियर है बात। साथ में KCl क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाया, अल्कोहलिक विलयन बनाया पोटेशियम परमैंगनेट का, तो हमें नीसेंट ऑक्सीजन मिली। और फिर उसके बाद हमने जो बेंजिल क्लोराइड था उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाया, उसका अल्कोहलीय विलयन बनाया, तो हमें मिला बेंजिल अल्कोहल। अब ये जो बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है और जो नवजात ऑक्सीजन हमें यहाँ मिलती है, इसके द्वारा इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे हम इस नवजात ऑक्सीजन द्वारा, तो हमें हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। देखिएगा किस तरह से, यहाँ पर हमने ये लिख लिया अपना बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH। इसकी रिएक्शन करानी है हमें नीसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन से। रिएक्शन होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्राप्त होता है C6H5COOK। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पोटेशियम बेंजोएट। ये हमको यहाँ पर मिलता है पोटेशियम बेंजोएट। क्लियर है। साथ में दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा टू नीसेंट ऑक्सीजन, दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, पोटेशियम बेंजोएट मिला। और पोटेशियम बेंजोएट का हमने यहाँ पर करा दिया हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन एसिडिक मीडियम में। जैसे ही हमने यहाँ पर पोटेशियम बेंजोएट का जल अपघटन कराते हैं तो फिर वही चीज़, HOH ब्रेक होता है H+OH- में, और पोटेशियम बेंजोएट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा C6H5COO में और K+ में। तो जो पोटेशियम है वो OH के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, KOH बना लेगा, और जो H है वो यहाँ पर पोटेशियम की जगह जुड़ जाएगा जाकर, तो ये बन जाएगा C6H5COOH। और इस तरह से हमें हमारा बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का अल्कोहलिक विलयन बनाकर नवजात ऑक्सीजन प्राप्त करी जाती है। रिएक्शन होती है 2KMnO4+2KOH गिव्स K2MnO4+H2O+nisent oxygen। फिर इसके बाद बेंजिल क्लोराइड का भी अल्कोहलिक विलयन तैयार किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है बेंजिल अल्कोहल दैट इज C6H5CH2OH। एंड इसके बाद इस बेंजिल अल्कोहल का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीडेशन कराने पर हमें मिलता है पोटेशियम बेंजोएट C6H5COOK, जो कि जल अपघटन पर हमें बेंजोइक अम्ल देता है, यानी कि हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजोइक एसिड देता है। ये कंप्लीट रिएक्शन हमारी लैबोरेटरी प्रिपरेशन होती है, यानी कि प्रयोगशाला विधि होती है किसकी, बेंजोइक अम्ल यानी बेंजोइक एसिड की। लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है औद्योगिक विधि यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब है यहाँ पर कि जब आपको बड़े लेवल पे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त करना है या ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टॉलुइन का मैग्नीज एसिटेट एवं कोबाल्ट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोबाल्ट एंड मैग्नीज एसिटेट की प्रेजेंस में टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करने पर हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने टॉलुइन का फॉर्मूला लिखा C6H5CH3, इसका हमें कराना है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन से यहाँ पर रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन होती है कोबाल्ट एंड मैग्नीज एसिटेट की प्रेजेंस में, रिएक्शन का टेम्परेचर रखा जाता है 170°C। तो जब हम टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है C6H5COOH, साथ में निकलता है वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो मॉलिक्यूल इसके लेने हैं, तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेने हैं, तो हमें दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड और दो मॉलिक्यूल वाटर के प्राप्त होते हैं। ये होती है औद्योगिक विधि यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बेंजोइक एसिड की। टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराना है कोबाल्ट एंड मैग्नीज एसिटेट की प्रेजेंस में।
इसके बाद हम हमारे बेंजोइक एसिड को यानी बेंजोइक अम्ल को बेंजल्डिहाइड से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड से भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके लिए ये रिएक्शन दो स्टेप में पूरी होती है, यानी कि दो पदों में पूरी होती है। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है, और इसके बाद जल अपघटन करने पर यानी कि हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर हमने लिखा C6H5CHO, इसका आप करा रहे हैं ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में। तो पहला स्टेप होगा यहाँ पर KMnO4, वो भी कैसा, बेसिक यानी कि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो बेसिक मीडियम में जो पोटेशियम पर मैग्नेट होगा उसकी प्रेजेंस में जब आप बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट एक अंतर माध्यमिक यौगिक मिलेगा जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर, तो सेकंड स्टेप हो गई हमारी हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, C6H5COOH यानी कि बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। यह होता है कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय द ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सेलिसिलिक एसिड यानी कि सेलिसिलिक अम्ल द्वारा। सेलिसिलिक अम्ल क्या होता है, सेलिसिलिक अम्ल एक ऐसा एसिड है जिसमें जो हमारा फिनॉल होता है उसमें COOH ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है सेलिसिलिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है C6H4OHCOOH, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन है और दो कार्बनों से जुड़ा होता है COOH एंड OH। तो ये होता है हमारा सेलिसिलिक एसिड यानी कि सेलिसिलिक अम्ल। सेलिसिलिक अम्ल जो होता है वो ऑर्थो भी हो सकता है और पैरा भी। तो ये हमने पैरा बनाया है, इसका ऑर्थो फॉर्म क्या होगा, ऑर्थो फॉर्म में यहाँ पर OH होगा और इसके ठीक बाद वाले कार्बन पे COOH ग्रुप। तो ये होता है ऑर्थो और ये होता है पैरा। तो ऑर्थो और पैरा सेलिसिलिक एसिड हमारे पास होते हैं जिसमें से ऑर्थो सेलिसिलिक अम्ल जो होगा इसका डिस्टिलेशन यानी इसका आसवन जिंक की उपस्थिति में कराने पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर क्या कराने जा रहे हैं, जिंक की प्रेजेंस में इसका आसवन करने जा रहे हैं। आसवन का मतलब होता है डिस्टिलेशन, इसको हीट करने जा रहे हैं जिंक की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है C6H5COOH और ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ निकल जाती है, तो साथ में जिंक ऑक्साइड जो है वो निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और ये हाइड्रोजन वापस से जाकर इस कार्बन में जुड़ जाती है। तो फॉर्मूला बन जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H5COOH, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर ये COOH, ध्यान से देखिए क्या हुआ, जब हमने ऑर्थो सेलिसिलिक अम्ल का या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जिंक की प्रेजेंस में आसवन किया, जिंक की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन किया, तो यहाँ पर जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और निकल जाता है। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर डिस्टिलेशन किया तो जिंक ऑक्साइड निकल गया, जो हाइड्रोजन था वो जाकर उसी कार्बन से जुड़ गया, तो बचा क्या, सिर्फ COOH ग्रुप रह जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है, फॉर्मूला C6H5COOH। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजोइक एसिड के अलग अलग कंपाउंड से। इसमें अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप जो है बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं कि सर ये केमिकल रिएक्शन हमें नहीं समझ में आई। लैबोरेटरी प्रिपरेशन जो है प्रयोगशाला विधि वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए उसको जो है 2 से 3 बार रिपीट करके प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। ये नेक्स्ट है हमारा भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो सफ़ेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन
सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, गंधहीन है यानी कि ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस होता है। जब ये सॉलिड है तो हमने बताया जो ठोस होते हैं उनका बताया जाता है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। तो इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो पहली क्रिस्टल प्रॉपर्टी क्या हो गई कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑर्डरलेस होता है यानी कि सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, गंधहीन होता है तथा इसका गलनांक जो है वो 121 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ में ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। इसकी सेकंड क्रिस्टल प्रॉपर्टी होती है, कैसा होता है, स्टीम वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब होता है भाप वाष्पशील, भाप वाष्पशील का मतलब है कि जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जब ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो ये भाप रूप में दिखाई देता है। भाप रूप का मतलब होता है कि कुछ वेपर्स ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं और कुछ वेपर्स ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे जल की जो वाष्प होती है, वाटर की जो वेपर्स हैं वो भाप के रूप में जब पानी को उबालिए तो हमें दिखाई देती हैं। तो वैसे ही जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है ये भी क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल यानी कि भाप वाष्पशील। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता, विलेयता की बात करें तो कह रहे हैं कि ठंडे जल में अल्प विलेय है। ठंडे जल में मतलब कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में ये होता है पार्शियली सॉल्युबल, अल्प विलेय होता है मतलब पूरी तरह से घुलनशील नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप हॉट वाटर लेते हैं, गर्म जल ले लीजिए, हॉट वाटर में ये क्या होता है, कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से घुलनशील होता है। साथ में अल्कोहल व ईथर में भी ये क्या होता है, अल्कोहल एंड ईथर। तो हॉट वाटर में अल्कोहल और ईथर में ये क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है यानी कि कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी के केस में विलेयता क्या होती है, कोल्ड वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होगा, ठंडे जल में मिलाएंगे पूरी तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन पानी गर्म कर देंगे, अल्कोहल ले लेंगे या इथर ले लेंगे तो कम्प्लीटली सॉल्युबल है, पूर्ण विलेय है। तो ये होती है हमारी बेंजोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। आज के लिए इस एक्सप्लेनेशन को यहीं रखते हैं, इसके बाद आगे का जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको समझाई जाएंगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।